थ्री एम एम में ना एलईडी लाइट ले रहे हैं 3 piece लेंगे इसके बड़ी लेग होती है होती है छोटी लेग होती है माइनस होती है कुछ इस प्रकार देखना देखे और फाइव एम एम में हमारे पास में थ्री एम एम वाली नहीं थी इसलिए मैं थ्री एम एम वाली नहीं ले रहा हूँ ये फुल चार्ज होने पर ये चलेगी और ये हम टू पॉइंट टू के के फोर रजिस्टेंस लेंगे कलर कोटिंग से आप फोटो स्क्रीन शॉट गाच लेना जिससे आपको कलर कोटिंग से आपको पता सके कि ना ये रेजिस्टेंस कौन सा है टू पॉइंट टू का है, आपके पास को पत, आपको वैल्यू पता नहीं करना आता है तो मेरे को कमेंट करके बताना मैं आपको बता दूंगा कि इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं इसकी चार पीस हम ये लेंगे वो एक पीवी शीट छोटा टुकड़ा के लिया हमने दे दे जिस प्रकार से हमने प्रोजेक्ट में बहुत खराब निकलते हैं उसमें से हमने लिया है आप भी ले सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छेद करते हैं एलईडीओ के यहाँ पे तीन तो यहाँ पे लिखेगी जिससे ये रेड रेड और फुल चार्ज होने पर ग्रीन चलेगी इसलिए हम यहाँ पे पहले छेर कर देते हैं जल्दी से तो गाइस को जिस प्रकार से हमने छेद तो कर लिए है अभी ना इसको चिपकाएंगे गाइस ना सबके प्लस प्लस को एक साइड में माइनस माइनस का एक साइड में जल्दी से इसको लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से आ जाएगी और इसको फेविक से अच्छे से चिपका देंगे वो फिर ना प्ले प्लस प्लस जैसे कुछ इस प्रकार से लग जाएगी एलईडी लाइट ऊपर में टॉप में रहेगी हमारी ना ग्रीन एलईडी लाइट जिससे अपन को पता चलेगा कि ना कि फुल चार्ज है लिथियम आयन बैटरी और यहाँ पे दो पीस जाएंगे फिर ना ये फिर कनेक्शन करेंगे फिर बन के रेडी हो जाएगा ग्वाइस इसके जल्दी से चिपकाते हैं और प्लस प्लस एक साइड में माइनस माइनस को एक साइड में एक जल्दी से करते हैं तो ग्वाइस ये सब माइनस है और ये प्लस है गाइस ना अभी ना ग्लू गन ग्लू गन गर्म हो रही है फिर इसके ऊपर ना मेल्ट करके यहाँ पे लगा देंगे जिससे अपनी एल ईडी लाइट अंदर की और ना जाए इसको जल्दी से यहाँ पे लगाएंगे जल्दी से कुछ इस प्रकार से अभी ना हीट होने लगी है मैं कौन सी यूज करता हूँ आपको पता ही होगा साठ वाट की लेता हूँ हम कुछ इस प्रकार से साठ वाट की है बहुत चीप रेट में थी गाइस मैंने ले ली थी कुछ इस प्रकार से गाइस कुछ इस प्रकार से ये अब इसके ऊपर मेल्ट करके लगाते जल्दी से तो गाइस कुछ इस प्रकार से हमने चिपका तो लिया है अब इसके कनेक्शन करते हैं गाइस ये ना सब इन प्लस प्लस है इनको सबको ना यहाँ पे ना प्लस प्लस पे ऐसे जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ना इनकी लेग ऐसे जोड़ देंगे इसकी इसके जोड़ देंगे वो इसकी इस पे जोड़ देंगे इसकी इस पे जोड़ देंगे तो इसके पहले इसके प्लस प्लस को जोड़ते हैं फिर माइनस को भी जोड़ देंगे इसको बड़ी बड़ी लेग है जिसको छोटी लेग भी करके जोड़ देते जल्दी से तो गाइस कुछ इस प्रकार से हमने सबके प्लस प्लस को जोड़ दिया है अब यहाँ पे ना सबके माइनस को ना कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे यहाँ पे ना एक रजिस्टेंस रजिस्टेंस को लेना है फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ना आप जल्दी यहाँ पे ना इसे जोड़ लेना है वो यहाँ से कट कर देते हैं फिर से यहाँ पे लगा लगाते यहाँ कट करते हैं जब मैं आपको पहले कनेक्शन करके बाद में दिखाता हूँ कनेक्शन कि करते हैं तो गाइस कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे जोड़ दिया गाइस कुछ इस प्रकार से ये तो प्लस है ये माइनस है और गाइस यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया है यहाँ पे माइनस ले गए यहाँ पे एक और रजिस्टर यहाँ पे माइनस ले गए यहाँ पे भी रजिस्टर एक माइनस ले गए वो यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे माइनस ले गए कुछ इस प्रकार आप से आप स्क्रीन शॉट लेते हो ये माइनस है सब और ये सब प्लस है कुछ इस प्रकार से इनको लगाना है यहाँ पे हम ब्लैक वायर लगा देंगे और यहाँ पे रेड वायर लगा देंगे तो हमारे को पता रहेगा कि पॉजिटिव है ये माइनस है तो इसको जल्दी से यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं तो गाइस ये बन के रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार से गाइस है ना एक और रजिस्टर था उसको हमारे को निकालना पड़ा और गाइस यहाँ पे ना मैं टेस्टिंग कर रहा था जब भी एक एलई लाइट फूक गई इसलिए ये ना खराब हो चुकी है गाइज और अभी ये ना तीन एलईडी लाइट वर्क करेगी और इससे अपन को पा... तो ये ना गाइज पता चल जाएगी कितने चार्ज है कुछ इस प्रकार से बहुत छोटा प्रोजेक्ट है इसके लाइक करना बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है गाइज ना इसके अंदर हम मल्टीमीटर के अंदर देखते हैं तो अपन को सेट करना पड़ता था फिर इसके अंदर ना है वोल्टेज देखने पड़ते हैं मैं बता देता हूँ ये जैसे ये ना लिथियम आयन बैटरी है इसको मैंने देखा नहीं है बहुत दिनों की चावल अब इसमें वोल्टेज देखते हैं कितने वोल्टेज है गाइस दो वोल्ट मान सकते हो कुछ इस प्रकार से इसमें ना है तो अपन को इसको पता भी नहीं पता भी नहीं है कि इसमें कितने वोल्टेज है आपके पास मल्टीमीटर नहीं होगा तो आपको पता ही होगा कि कैसे पता करते हैं पता नहीं करते हैं इसलिए आपको पता ही होगा मोटर में लगा के आप देखते होंगे तो गाइस कुछ इस प्रकार से चल गया है ये लाइट चले चल नहीं रही है इसमें लोड जा रहा है पर ना ये ना इससे पता चल रहा है कि ना पे हमने इस इसमें भी जा रहा है इसलिए ना यहाँ पता चल रहा है ये ना पचास परसेंट है ये, ये पचहत्तर परसेंट है और ये पूरा सौ परसेंट है और ये अभी पचास परसेंट चार्ज है और पचास परसेंट चार्ज नहीं है ये चार वोल्ट दो दो चार पॉइंट बीस वोल्ट तक जाता है कुछ इस प्रकार से ये अभी सही बता रहे हैं राइस और ये भी ना बहुत दिनों से मैं चार्ज भी नहीं लगा मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कुछ इस, तो इस प्रकार से ये साढ़े तीन वोल्ट आ रहे हैं इसमें देखते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें देखते हैं कि कितने वोल्टेज आते हैं गाइस देखते हैं गाइस अभी तो गाइस कुछ इस प्रकार से इसका हमने लगा लिया है अब ना आपको नहीं ये लाइट चलती नहीं दिखती होगी पर ना गाइस ये चल रही है दिखाता हूँ आपको गाइस अंधेरे में गाइस अभी ग्लो कर रही है पर गाइस ना, ना ब्राइटनेस क्यों नहीं है क्योंकि ना मैंने इसको पहले ना फाइव वोल्टेज चलाया था इसकी थोड़ी रोशनी थी जो कम हो चुकी है इसलिए ये ना पचहत्तर परसेंट चार्ज यानी सही दिखा रहा है अभी तक तो वो ना अभी ना अपने पास ये है और कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे से टेस्टिंग कर रहा है आपको मैं इसमें भी वोल्टेज दिखा देता हूँ ये सेवेंटी फाइव परसेंट तो होगी चार्ज गाइस अभी ना आपको दिखाता हूँ प्लस और ये माइनस आपके सामने कुछ इस, एक वीडियो नहीं है साढ़े तीन वोल्टेज मान सकते हो तो इसमें कुछ इस प्रकार सौ परसेंट ये पचहत्तर परसेंट है ये पचास परसेंट है ये पच्चीस परसेंट है और ये, 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 ये हम बारह वोल्ट में भी टेस्ट कर, टेस्टिंग कर सकते हैं अभी इसको देखेंगे कहीं से ना अभी आपको पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे कि ना ये उड़ेगा तो उड़ जाएगा ये चलेगा तो पता चलेगा कि बारह वोल्ट को भी टेस्टिंग करता है सकता है, है या नहीं इसलिए इसको अपन रिस्क देंगे गाइस आप में ना बारह वोल्ट दो एम्पियर का चार्जेस के इससे सहायता से हम इसको चलाएंगे गाइस देख सकते हो आपके सामने ये देख सकते हो अनबॉक्सिंग भी अपने आपके सामने इसकी बारह वोल्ट टू एम्पियर से इसको चला के देखेंगे कि ना बारह वोल्ट से उड़ जाता है लाइट उड़ जाती है या ना फिर चलता है ग्लो करती है उसको जल्दी एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं जल्दी से तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको पता ही होगा इसमें टू पिन आती है ये तो ना छोटी वाली है या बड़ी वाली है इसको हमने सॉकेट को अनबॉक्सिंग भी की थी आपने जाके वो नहीं देखी जाके देखना अभी ना इसमें देखते हैं कि ना हम एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं गाइस कि चलता भी है या नहीं और ये लाइट उड़ती या फिर नहीं तो गाइस इसमें ना ये ना बहुत अच्छे से ग्लो हो रही है दो एलईडी लाइट और ग्रीन भी थोड़ी बहुत ग्लो हो रही है

ये भी फ्यूज होएगी या फिर नहीं आपके सामने इसलिए लाइक करना बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है अब इसको फ्यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ना ये आपके एक्सपेरिमेंट रियल करता हूं मैं और कुछ इस प्रकार से अभी ना इसके अंदर लगाएंगे ये गई ये गई 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 अभी देखते हैं इसमें अंदर जाएगी ये जाएगी वाये वाये गई 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 और ये उड़ गई गाइस तो गाइस चली गई है लेडी सबको छोड़कर और कुछ इस प्रकार से ये दो लड़ी लाइट लेड़ चल रही है यानी कि ना ये बारह वोल्ट से ऊपर से बारह वोल्ट तक ग्लो करती है कुछ इस प्रकार से इसके लिए लाइक करना बनता है अभी ना अपना चार्जर भी खराब हो सकता था इसके कारण ये उठती तो ये भी इसमें शॉर्ट सर्किट होकर ये भी उठ जाता है इसलिए इतना रिक्स लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना गाइस कुछ भाई लोग है ना इसमें डाइवोर्ड लगा के फिर बनाते हैं मैं गाइस फेक वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ इसलिए वो डाइवोर्ड में से ना कम वोल्टेज होते जाते हैं और बड़े बढ़ते नहीं है कभी गाइस ना कुछ इस प्रकार से तो वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर से लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे क्लिक कर देना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो ज्यादा शेयर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो